सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों आपके पास विंडोज 10 में अगर ये एरर आ रहा है 0x8007002, तो दोस्तों इस एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं विंडोज 10 में से, तो आज मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन के सेटिंग में जाना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको विंडोज 10 के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर अपडेट एंड सिक्योरिटी के ऊपर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर विंडोज़ अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद रन द ट्रबल शूटर के ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है, तो आपकी जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको जो है उस विंडोज़ को क्लोज कर देना है। फिर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर बैक आना है। बैक आने के बाद आपको जो है यहाँ पर टाइम एंड लैंग्वेज के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर सेट टाइम ऑटोमेटिकली इस फीचर को आपको ऑन करना है। उसके बाद सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली इस फीचर को भी जो है आपको ऑन कर देना है। उसके बाद अब मैं यहाँ पर इस विंडोज़ को जो है क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है सर्विसेज, ओके। उसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। फिर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है विंडोज़ अपडेट। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं विंडोज़ अपडेट, इसको जो है आपको राइट क्लिक करना है। फिर आपको जो है यहाँ पर रिस्टार्ट के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है इस विंडोज़ को यहाँ से क्लोज कर देना है। फिर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर विंडोज 10 के सर्च बार में टाइप करना है कमांड प्रॉम्प्ट, ओके। आप जो है इसको राइट क्लिक कर यहाँ पर रन एस एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आपको जो है दोस्तों यहाँ पर टाइप करना है /SCANNOW, ओके। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर इंटर प्रेस कर देना है। फिर आप जो है यहाँ पर आपका जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, तो आप जो है यहाँ पर थोड़ी देर वेट कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका जो है यहाँ पर ये परसेंट जो है कंप्लीट होने के बाद आप जो है कमेंट प्रॉम्प्ट को जो है यहाँ से क्लोज कीजिए। फिर दोस्तों आप जो है अगर अपने PC में एंटीवायरस को यूज़ कर रहे हैं, तो आप जो है एक बार उसको डिसेबल करिए। डिसेबल करने के बाद जो है आप अपने विंडोज़ अपडेट में जाकर अपना विंडोज़ जो है अपडेट कर लीजिए। उसके बाद जो है आपका PC रिस्टार्ट होने के बाद आप जो है एंटीवायरस को एनेबल कीजिए, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। We'll be right back.